हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन होगा बच्चों, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कम से कम टाइम में रिवाइज कर लें और आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ हमें देखना होता है इनके फंक्शनल ग्रुप वगैरह को देखें। अगर आप एल्डिहाइड की बात करते हो तो यहाँ एल्डिहाइड में आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इसके एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा होगा। अगर यहीं हम कीटोन की बात करें तो यहाँ कीटोन के केस में क्या होगा कि दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ कोई कार्बन चेन लगी होगी। जब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ OH लगा होता है एक वैलेंसी पर, ठीक है। तो ये हुआ एल्डिहाइड, और यहाँ पर दोनों वैलेंसी पर अगर कार्बन लगा हुआ है तो ये आपको कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनका अगर हम सिंप्लीफाइड नेमिंग की अगर बात करें बड़ा सिंपल से टर्म में, तो एल्डिहाइड में हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अल। तो इस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव है जी, तो यहाँ पर हम लोग जो इसका नेम लिखते हैं वो नेम हो गया, अगर ये यहाँ नेमिंग करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं एल्केनल। क्या लिख सकते हैं, एल्केनल। अब यहाँ जो भी कार्बन का रूट वर्ड होगा उसके लिए हम एल्क वर्ड यूज कर लेंगे। अगर वो एल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो वहां एन टर्म हो गया और अल किसकी वजह से आ गया जी, एल्डिहाइड की वजह से आ गया। यही जब हम इसके सफिक्स की बात करते हैं तो यहाँ ओन होता है, तो जब यहाँ आप बात करोगे तो यहाँ आपको ये लिखा हो सकता है एल्केनोन। क्या हो सकता है, एल्केनोन। ऐसे यहाँ हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड, तो जब ये ओइक एसिड बोलते हैं तो यहाँ आप जब नेमिंग आगे चल के करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। तो ये एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में पहले बेसिक बात कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ एल्केनल मिल रहा है, ये एल्केनोन हो जाता है, एल्केनोइक एसिड हो जाता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कहाँ हम क्या देख रहे हैं। और अब हम लोग इसके आगे की बात करें जरा, तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि ये आपको कार्बोनिल ऑक्सीजन देखना है, और इस कार्बोनिल ऑक्सीजन से देखिए हमने इस तरीके से बॉन्ड बनाया। सपोज यहाँ पर अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप लगा दें, यहाँ भी R लगा दें, तो ये हमें पहले इस कार्बोनिल कार्बन के बारे में जानना होगा। इस कार्बोनिल कार्बन को अगर देखें तो ये कार्बन आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, और ये एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है यहाँ पर, पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप पहले से पढ़ते आए हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड के केस में आपको यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज दिखेगा। तो अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा है जी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। भाई जब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर फिर इसके जो अरेंजमेंट का तरीका है वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर ही अरेंज होंगे ये। जब ट्राइगोनल प्लेनर अरेंज होंगे तो इसका मतलब इस कार्बन से जो तीनों एटम अरेंज हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में होने चाहिए। तो हमने ऐसे एक ट्राइगन ड्रॉ करने की कोशिश करी और यहाँ पर देखिए हमने उस सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो आप जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से ट्राइगन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आप देखेंगे, वो बॉन्ड एंगल आपको कितना देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड एंगल आपका होगा 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ जब आप बॉन्ड एंगल की बात करते हो तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा यहाँ 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल आ गया आपका 120 डिग्री। ये जो हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपने क्या देखा कि जब भी आप बात करोगे तो यहाँ आपने पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया है। तो जब आप ओवरलैपिंग देखेंगे, सपोज ये कार्बन अगर आपका है और ये CH3 ग्रुप होता, तो अगर ये R यहाँ हम CH3 मान लेते, इस R को अगर CH3 मान के चलते, तो ये CH3 है और ये C। अब CH3 है तो यहाँ पर जब CH3 बना तो ये 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड यहाँ, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास 4 हो गया। जब 4 हो गया तो इस जगह जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। मतलब अगर हम ये R यहाँ से हटा दें और R की जगह सपोज हमने यहाँ क्या लगा दिया, CH3। जैसे ही हमने CH3 लगाया तो यहाँ आपको अब ये R है चाहे CH3, हमने ऐसे लिख दिया।
तो अब ये सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें कि जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा जो आप ये वाला देख रहे हो, ये सिग्मा बॉन्ड कैसा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड आपको क्या देखने को मिला, sp3 sp2। क्यों sp3 sp2 बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल गया, sp3 sp2 हाइब्रिडाइज। ऐसे इस कार्बन को देखें तो ये sp3 और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हो जाती हैं। अब यहां अगर हम देखते हैं तो यहां ये सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब जैसे ही हम लोग कार्बोनिल की बात करें तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है, और जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है। तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर हमने शिफ्ट, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो अब आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखा कि सर जी यहाँ पे इसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो कार्बोनिल में जब आप देखोगे तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है और इस जगह एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। कभी भी जब रिएक्शन आप इनमें देखोगे तो अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो यहां क्या होने वाला है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सपोज किसी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो न्यूट्रल है, या कोई एनायन हो, वो आके यहां पर अटैक करेगा। तो जब वो यहां अटैक करेगा तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मेनली ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप देख पा रहे हो कि जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए कौन सी स्पीसीज आके यहां अटैक करती होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन से होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल सीधे जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरीके से यहाँ पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर गया, एक तरीके से हम कह रहे हैं पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से रिएक्शन कौन सी होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, और ये एडिशन रिएक्शन जी कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और यहां आप ये देखें, जो ये पाई बॉन्ड है आपका, एक ये पाई बॉन्ड आप देखेंगे तो जब आप इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब इस ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखेंगे पाई बॉन्ड कैसे बना होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। कैसे बना होता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। तो बाकी तो यहां हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बने होंगे जो सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन यहां क्या होगा, आपको जो पाई बॉन्ड होगा वो कैसे बनेगा, लेटरल ओवरलैपिंग से। तो अच्छे से स्ट्रक्चर बने होंगे, आप अच्छे से देखिए। अब अगर आप नॉमेनक्लेचर की बात करते हो, कुछ कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात कर लें, तो जैसा हमने एल्डिहाइड की बात किया था, अब यहाँ अगर आपको सिंपली दिया जाए कि CH3COH है, अब इसके आपको नेमिंग करनी हो, बहुत बेसिक एग्जांपल है, खैर ये तो हर कोई जानता है, तो इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। आप जानते हैं जब भी आपने नॉमेनक्लेचर सीख रखा है तो आपने ये सीखा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन से ही स्टार्ट हो जाए, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नेमिंग उसी कार्बन से स्टार्ट कर देते हैं और उसको हम लोग मेन चेन में काउंटिंग में कार्बन को काउंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ 1 हो गया और ये हो गया 2। अब फंक्शनल ग्रुप तो पहचानते हो, ये COH अभी हमने सिखाया था, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो अब दो कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, एथ, क्योंकि आपने एल्डिहाइड के लिए अभी रूट वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एल और एन और फिर अल, ये हमने सिखाया एल्केनल, तो एथ हो गया। और यहां जो कार्बन है वो 2 कार्बन है और ये एल्केन ही है, तो यहां आपको क्या देखने को मिला, इथेनल। तो ये हो गया इथेनल। अब इसके कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो इसे हम लोग एसिटल एल्डिहाइड बोलते हैं। ये क्या है, एसिटल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। अब जैसे हमने यहां पर अगर दूसरे कंपाउंड की बात करें और हमने नेमिंग में इस जगह से यहां हमने लगा दिया, अब देखिए यहां पर है तो ये आप देख रहे हो कि ये एल्डिहाइड है, यही फंक्शनल ग्रुप है।
तो आप देख रहे हो कि रिंग में है और रिंग में कार्बन ज्यादा है लेकिन यहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आप नंबरिंग कैसे करोगे? तो आप यहां रिंग में नंबरिंग अगर कर रहे हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इसी रिंग से अटैच है, जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तो ऐसा नहीं होगा कि आप यहां से चल के रिंग के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो बाहर लगा हुआ है, वो उस साइकिल में नहीं आ रहा है। और चलने का रूल होता है या तो साइकिल में चलो या बाहर चलो, तो आप साइक्लिक में नहीं चल पा रहे हो जी, बाहर नहीं जाओगे क्योंकि एक ही कार्बन है और ये सीधा सीधा वो फंक्शनल ग्रुप है और वो वहां से रिंग से अटैच है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या जानते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन। तो यहां हम सीधे ऐसे नेम लिखे साइक्लोहेक्सेन, और अब ये जो छूट गया है तो क्या छूट गया है, CHO ग्रुप। तो इसलिए इसके नेम के लिए हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं एक नए तरीके से नेमिंग, इसको लिख लेते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। आई बात समझ में? लेकिन अगर ये नेमिंग कुछ इस तरीके से हो, जब फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच ना हो, सपोज यहां हमने बेंजीन रिंग ले लिया आज, और अब यहां हमने इस तरीके से देखा, तो अब यहां पर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो जब भी आप आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो आईयूपीएसी नेमिंग करते समय आपको नंबरिंग यहीं पर करना होगा, ये वन हुआ और ये टू हुआ। अब रिंग में आप नहीं जा रहे, जब रिंग में नहीं जा रहे हैं तो आपने क्या देखा, इसके नेम में इस समय बेंजीन रिंग पूरी क्या हो जाएगी, साइड चेन की तरह। जब साइड चेन होगी तो ये क्या होगा, टू फेनिल। तो जब भी बेंजीन रिंग साइड चेन में होगी तो ये क्या हो जाएगा, फेनिल की तरह। तो ये हो गया टू फेनिल। आपने क्या देखा है, दो कार्बन में नंबरिंग करी है, तो टू फेनिल और दो कार्बन के लिए एथ। और आपने देखा कि वहां कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर से वही, तो नेम क्या हो गया, टू फेनिल इथेनल। बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। अब जरा यहां देखें, अगर हमने यहां पर नंबरिंग ये वाले कंपाउंड की बात करें और यहां एल्डिहाइड इस तरीके से लिखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे कि कहीं से भी चलेंगे तो एक एल्डिहाइड आपका छूट जाएगा जो नंबरिंग में नहीं आ पाएगा। जैसे यहां से चलते तो 1 2 3 1 2 3 4 5, यहां से जाते तो 1 2 3 4, तो 4 ही हो रहा था, और इधर से जब यहां से चल के यहां तक आते तो 5 तक जाते, लेकिन एक एल्डिहाइड छूट जाता है। तो जब भी ऐसा केस हो, फंक्शनल ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और वो पूरे के पूरे नंबरिंग में इस तरीके से ना आ रहे हो, तो आपको इस केस में तीनों को छोड़ देना है, तो ये 1 2 और ये 3। तो अब हम लोग यहां पर साइड चेन भी नहीं मानेंगे, तो हम क्या बताएंगे इस नेमिंग करते समय, प्रोपेन तीन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और कितनी जगह छूट गया है, तीन जगह, कहाँ कहाँ, 1 2 3। तो इसके लिए आगे हम लिख देंगे वही वाला टर्म, जब छूट जाता है तो क्या यूज करते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो यहाँ हम यूज कर लेंगे क्या, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, राइट। तो अब यहां पर हमने नेमिंग करा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। तो ये यहां पर नेमिंग इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिए होते, कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल की बात करते और इसकी बात करें, तो जरा देखिए वैसे ही नेमिंग बिल्कुल आपको मिलता जुलता ऐसा लगेगा कि सर बिल्कुल सिमिलर है। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर है। देखो ऐसे हमने लिखा CH2CHCOH और यहां पर CH2COOH। अब यहां पर भी अगर आप फंक्शनल ग्रुप आप देखते हो तो 1 2 3 ये आपको अलग अलग कार्बन पे दिख रहे हैं। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 पे जाओगे तो ये छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जी छूटना नहीं है, और जब छूटना नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको ये ध्यान देना है कि फिर हम सभी को छोड़ देते हैं, तो 1 2 3। तो क्या नेमिंग हो गया यहां, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब यहां क्या यूज करेंगे, जैसे यहां कार्बेल्डिहाइड यूज किया है, ऐसे यहां टर्म क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये टर्म आ गया।
तो नेमिंग बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, आप कर पाएंगे। अगर कुछ और कंपाउंड्स की बात करें, कीटोन की बात करें, कीटोन में अगर हम देखें और इस तरीके से नेमिंग दी गई हो, CH3, CH2, CO, CH3, तो अब यहाँ कार्बन, ये आप देख रहे हो कि कार्बन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन है, लेकिन आप यहाँ से नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम कीटोन बोलते हैं तो कीटोन का मतलब हो गया कि इसके दोनों वैलेंसी पे कोई ना कोई कार्बन होना ही चाहिए, और जब हम उसको लेंगे नंबरिंग में तभी तो कीटोन कंसीडर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको चलना होगा, कार्बन को कंसीडर करना होगा, लेकिन उधर से चलेंगे जिधर से कार्बोनिल वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। तो जो यहां से हम लोग चल रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4, तो अब 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो, ब्यूटेन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्केन वाली चेन है ये, तो ब्यूटेन, और सेकेंड पोजिशन पे आया है कीटोन, तो यहां हो गया कीटोन के लिए ओन, तो ये हुआ ब्यूटेन टू ओन। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, कहीं पर कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर में डिफरेंट कंपाउंड की प्रैक्टिस करिए और उनको भी सीखते चलिए। चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यहाँ सबसे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके हमें बनाना है क्या, एल्डिहाइड और कीटोन, तो देखें हम क्या करेंगे। यहां पर हमें एक रिजेंट लेना होगा, वो रिजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि भाई आप कराने जा रहे हो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहां क्या ले सकते हो, आप यहां ले सकते हो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या आप यहां ले लो भाई KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस तरीके से अब इन रिजेंट के हेल्प से हम एल्कोहल का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखते हैं जी क्या बनता है। तो आपके पास सपोज ये एल्कोहल हो और ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हो, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है ना। अब 1 डिग्री एल्कोहल जब भी लेंगे और ये जो आपने एजेंट ले रखा है, रिजेंट ले रखा है, ये रिजेंट यहाँ पर जैसे ही आपको एरो के ऊपर दिखेंगे K2Cr2O7H+, और इसको हल्का सा हीट कर दो जी, अब आप देखोगे कि ये जो प्राइमरी एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो प्राइमरी एल्कोहल आपका चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करेंगे, सिंपल बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप यहां पे कार्बन नंबर चेंज ना करना। तो भाई यहां आपको मिला था CH2OH, तो एक तरीके से हमने R जो लिया था वो R वहां एज इट इज बना है, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ CH2OH को कन्वर्ट कर दिया है CHO, और ये CH2OH ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये हमने बहुत पहले लेक्चर में सिखाया था कि अगर वो कार्बन अकेला है तो हम उसकी बात करें, अगर वो किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये कार्बन क्या हो जाता था, 1 डिग्री, अगर ये कार्बन है और ये 2 से जुड़ा होता तो यहाँ पर जैसे एक कार्बन ये जुड़ गया और एक और जुड़ गया तो ये 3 डिग्री हो गया, ये अगर हम बात करें तो ये कार्बन जब देखोगे तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया। अब यहाँ ये CH2 है तो ये एल्काइल ग्रुप है तो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा, इसीलिए हम RCH2OH को क्या बोल रहे हैं, 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री से क्या बन गया, एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने 2 डिग्री लिया हुआ है, जब आप 2 डिग्री लोगे तो देखते हैं 2 डिग्री का मतलब अब ये R और ये CH और यहाँ OH, ठीक है। तो देखो इस बार ये C एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, तो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। जब सेकेंडरी होगा वही रीजेंट लेंगे K2Cr2O7 या हम लोग क्या ले लेंगे KMnO4, तो एसिडिक मीडियम ले लिया। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जो आपका CH है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO में, किसमें, CO में। तो इस तरीके से सेकेंडरी एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। तो ऑक्सीडेशन से आप ऑक्सीडेशन करा के एल्कोहल का क्या बना सकते हो जी, एल्डिहाइड बना सकते हो।
आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो तो कीटोन बना सकते हो, लेकिन कौन से एल्डिहाइड के, कौन से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका एल्डिहाइड बन रहा है प्राइमरी एल्कोहल, कौन से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका कीटोन बन रहा है तो ये कौन सा हो गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अब हम यही रीजेंट यूज करके किसी भी कंपाउंड में बस हमें सेकेंडरी और प्राइमरी देखना होगा, जो टर्सरी एल्कोहल है उसका नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन मेथड को यूज करके एल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। आपको प्राइमरी अल्कोहल दिया गया, सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है और आपको डिस्टिंग्विश करना है कि इन अल्कोहल को आप अलग करिए। कैसे अलग कर सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन करा के भी अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से उनके प्रोडक्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए भाई तो क्या लोगे, अब अल्कोहल आपका पता चल गया कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना रहा है, प्रोडक्ट अलग हो गया, इससे कन्फर्म हो गया कि एक अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है और दूसरा अल्कोहल कैसा है सेकेंडरी अल्कोहल है। आई बात समझ में? इस पर अगर कोई रिएक्शन की बात करें, हम थोड़ा सा स्पेस लें और किसी रिएक्शन की अब बात करें, और रिएक्शन आप कर ही लोगे, मतलब अब तो टेंशन बची ही नहीं है क्योंकि आप ये समझ गए कंसेप्ट इसको कि कहाँ से हमें एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड बनाना है और एल्कोहल से कैसे कीटोन बनाना है। देखते हैं जरा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया और हमने यहाँ पर ले लिया CH3CHOH CH3, अब ये हमारे पास एल्कोहल है। इस एल्कोहल में आपने क्या देखा, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जी कितने कार्बन से लगा है, एक इधर और एक इधर, तो ये मेन कार्बन है और यही कार्बन कैसा है 2 डिग्री कार्बन है। अब इसके नेम की बात करें तो ये 1 2 3, इसका मतलब ये 3 कार्बन है, तो यहाँ नेम क्या हो गया प्रोपेन 2 ऑल। और ऐसे हम एल्कोहल के डिग्री वाइज बात करें तो ये एल्कोहल हमारा कैसा है जी, सेकेंडरी एल्कोहल है, है ना। तो सेकेंडरी एल्कोहल का आपने क्या कराना है ऑक्सीडेशन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो आपने रिजेंट लिया है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन, और इसकी हेल्प से ये जो CHOH है किसमें चेंज हो जाता है जी CO में। तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ सिंपली बस CH3 वैसे ही रखना है और ये जो आप देख रहे हो ये CHOH किसमें चेंज हो जाएगा CO में। तो आपने प्रोपेन 2 ऑल से आपने क्या बना दिया 1 2 3, आपने बना दिया प्रोपेन 2 ओन, क्या बनाया प्रोपेन 2 ओन। आसान है ना, बहुत आसान रिएक्शन है भाई, बहुत आसान रिएक्शन है ऑक्सीडेशन कराना। अगर यहां पर और एग्जांपल लें और ये हमने इस तरीके से लिख दिया, ये OH लिखा हुआ है और आपको यहां पर ऑक्सीडेशन कराना है, ठीक है। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, यहां ऑक्सीडेशन कराना है, तो आप क्या करोगे भाई, अब ये अल्कोहल आप चेक करो तो ये अल्कोहल कैसा है, इस अल्कोहल को आपने देखा तो यहां से ये लगा हुआ। कुछ लोग गलती क्या होती है कि उनको लगता है ये वाला कार्बन, वो कार्बन नहीं, कार्बन एक्चुअल में आपका यहां है और ये तो बॉन्ड है जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। हमने आपसे पहले ही बताया है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा कार्बन नंबर को जरूर काउंट कर लें बॉन्ड को देख के, अदरवाइज इसमें हमें कार्बन काउंट करने में गलती हो जाती है और थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दें तो हमारा MCQ क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप करेंगे नहीं जी। तो यहां कार्बन और यहां कार्बन, ये लगा हुआ है OH इसके साथ, अब आप क्या कराने जा रहे हो ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे आप जानते हो कि ये अल्कोहल आज किसमें बदलने वाला है, एल्डिहाइड में बदलने वाला है, और एल्डिहाइड जब बदलेगा तो उतने ही कार्बन का बनेगा जितने कार्बन का अल्कोहल आपने लिया है, तो एल्डिहाइड में तो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। तो आप यहां देखिए ये ग्रुप क्या है CH2, क्योंकि एक बॉन्ड यह है, एक बॉन्ड यह है, तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे, और आप जानते हो CH2OH किसमें चेंज हो जाता है CHO में, किसमें CHO में। तो अब आपने क्या बनाया कि यहां पर ये बॉन्ड और ये देखिए इस तरीके से हमने ये बॉन्ड बनाया और यहां पर ये CHO है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसी कार्बन पर एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और फिर क्या लगाना हुआ हाइड्रोजन।
तो स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो ये ऊपर तक गया था, 1, 2, 3 जैसे लग रहा है, और यहाँ आपने ऐसे बनाया। तो हम तो कहते हैं हमेशा कार्बन बना के देखो, तो यहाँ आपका सी है, यहाँ सी है, और यहाँ भी सी। तो आपने यहाँ भी कितना कार्बन लिया था, 1, 2, 3। तो नेमिंग अगर हम यहाँ नंबरिंग करते तो ये नंबरिंग क्या हो जाती, ये होता 1, ये होता 2 और ये होता 3। तो आपके पास क्या आता, प्रोपेनॉल, क्या जाता, प्रोपेनॉल या प्रोपेन वन ऑल बोलते। यहां आप देखो तो नंबरिंग अब यहीं से होगी, तो ये 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, देखो नंबर नहीं चेंज हुआ, यहां भी प्रोप टर्म आया और यहां भी क्या टर्म आया, प्रोप टर्म। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, जब ये बॉन्ड लाइन वाले फार्मूले वाले क्वेश्चंस हो तो इनको बड़ा आपको थोड़ा केयरफुली करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। अब आप ये सीख गए, बाय द डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था कि जब भी हम लोग बात करते थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता था, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता था रिडक्शन, तो डीहाइड्रोजिनेशन है जी, क्या मतलब है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। डी का मतलब क्या समझ लेना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके का एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन यहाँ रीजेंट अलग है। इस वाले स्टेप में यहाँ जो आपका रीजेंट है, ये जो रीजेंट है वो आप यहाँ लेंगे क्या, कॉपर। ये हीटेड कॉपर के साथ जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा जी 573 केल्विन। कितना, 573 केल्विन। प्रोसेस का नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब आपको हाइड्रोजन रिमूव कराना है, कहाँ से, एल्कोहल से। देखते हैं जरा, 1 डिग्री एल्कोहल, फिर से बता रहे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल जो होगा यहाँ पर वो बनाएगा एल्डिहाइड। हाँ, रिवीजन का मतलब क्विक रिवीजन ही होता है ये, मतलब आपको समझ के चलना है। अब बोर्ड एग्जाम आ गया, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है लगभग लगभग, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सेकेंडरी एल्कोहल की जब बात करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल आपको देगा कीटोन, लेकिन जब यहाँ टर्सरी एल्कोहल हम लोग लेंगे तो आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से। और ये जो होगा यहाँ प्रोडक्ट जी कुछ और बनने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी में सबसे गलती हो ही जाती है, लेकिन आप गलत ना करना। टर्सरी एल्कोहल क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा, क्या बनाएगा, एल्कीन। प्राइमरी एल्कोहल ने क्या दिया, एल्डिहाइड। सेकेंडरी एल्कोहल ने क्या दिया, कीटोन। अरे ऐसे ही प्रोडक्ट हमारा पिछला वाला भी था जब हमने ऑक्सीडेशन कराया था, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, बस यहाँ रीजेंट बदला हुआ है। तो यहाँ रीजेंट क्या है, कॉपर के साथ आपने टेम्परेचर कंडीशन कितनी रखी है, 573 केल्विन की। जरा देखते हैं, एक रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको जल्दी से याद कर लेना है कि टर्सरी एल्कोहल इस रिएक्शन में क्या देने वाली है, एल्कीन देने वाले है। कौन से प्रोसेस से, कॉपर को जब हम हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पर, 573 केल्विन पर, क्या लेंगे, एल्कोहल के साथ ये रिजेंट लेंगे। यहाँ क्या लिखा होगा, कॉपर, और यहाँ क्या लिखा होगा, टेम्परेचर, कॉपर, और ये टेम्परेचर, यहां भी वही काम करना है, एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन टर्सरी एल्कोहल क्या दे रहा है, एल्कीन दे रहा है। बस बस अब हो गया, चलो अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं। और अगर हमने यहाँ सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही ले लिया, CH3CH2OH, और यहाँ हमने इसके ऊपर लिखा कॉपर और हमने टेम्परेचर लिखा 573 केल्विन, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ सिंपल सी बात है, दो कार्बन का एल्कोहल लेना है, दो कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, CH3CHO, और क्या रिलीज करा दोगे, हाइड्रोजन। क्या रिलीज कराओगे, हाइड्रोजन। तो क्या बन गया आपका, इथेनॉल से क्या बन गया है, इथेनल। तो इथेनॉल से बन गया इथेनल। अब अगर यहीं पर हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल ले लें तो सेकेंडरी एल्कोहल आपका क्या हो गया, CH3CHOH, और ये CH3। अब आप नेम की अगर बात करो तो पीछे भी आपने करा था, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। कभी कभी बदमाशी कर देते हैं तो इसके कॉमन नेम की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है जी, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। देखो जरा,
कब आइसोप्रोपाइल बोल रहे हैं, आपने देखा होगा प्रोपेन से जब एक हाइड्रोजन किनारे से हटता है तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं, बीच वाले कार्बन से हटता है तो आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो यहाँ बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा, वहां पर OH लगा है, इसलिए क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, एल्काइल होता है, एल्काइल से यहाँ प्रोपाइल हो गया क्योंकि प्रोपेन था आपके पास। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, नंबरिंग करा 1, 2, 3। अब आपने फिर से वही रिएक्शन करना ही है, कॉपर 573 केल्विन, इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, आप यहाँ बना देंगे CH3 CO CH3। ठीक है, ये आपका बन गया क्या, कीटोन। कीटोन में ये क्या बना है, प्रोपेन टू ओन। यही सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है और इसको हम लोग और भी बोलते हैं कॉमन नेम से क्या, एसीटोन। तो ये हमारा एसीटोन है, प्रोपेन टू ओन। अब आप समझिएगा, अगर हम यहीं पर टर्सरी अल्कोहल लेते, जब टर्सरी अल्कोहल लेते तो टर्सरी अल्कोहल का मतलब यहाँ हमने लिया CH3 CH3, ये CHOH, और यहाँ हमने लिया CH3 और इसको हीट किया किसके साथ, कॉपर के साथ। टेम्परेचर कितना है, 573 केल्विन। क्या करोगे भाई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्सरी अल्कोहल है। कैसे टर्सरी है, ये जो कार्बन जहां से OH लगा है, ये कार्बन देखो एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, मतलब ये वाला कार्बन तीन अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब तीन अलग कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को हम क्या बोलने हुए, टर्सरी। ये टर्सरी कार्बन है और टर्सरी कार्बन के साथ यहाँ OH लगा है तो ये अल्कोहल कैसा है भाई, टर्सरी अल्कोहल है। अब आपने समझा है, जी जी सर जी, क्या समझा, कि अगर टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ कराएं और 573 केल्विन की टेम्परेचर हो तो ऐसे केस में क्या बनेगा, एल्कीन। और एल्कीन जब बनेगा तो भाई इस एल्कोहल की पहले नेमिंग कर लेते हैं, कैसे नंबरिंग करोगे, ये 1, ये 2 और ये 3। क्या हुआ नेमिंग में, आपने देखा एक छूट गया, क्या छूट गया, जे CH3, तो आप उसको छोड़ो मत, लिखो इधर क्या हो गया, 2-methyl propane 2-ol। ये आपका आया IUPAC नेम, 2-methyl propane 2-ol। 2-methyl propane 2-ol से क्या बनेगा, एक जगह से OH निकालेंगे, एक जगह से OH निकालेंगे और दूसरी जगह से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, मतलब इस बार जो एलिमिनेशन हो रहा है उसमें वाटर निकल रहा है, हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये अलग टाइप की रिएक्शन हो जाती है टर्सरी के साथ। अब यहां से जब एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां से एक OH जाएगा, तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हुआ और एक बॉन्ड यहां भी फ्री हो गया इस कार्बन पे, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया तो ये कार्बन और ये वाला बॉन्ड, तो दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहां देखो फिर क्या हो गया, CH3 CCH3 और इसके साथ यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। बोलो भाई, है ना, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ना, चलो यहाँ आ गया ये CH3। तो इस तरीके से आपने क्या बनाया, अब प्रोडक्ट का नेम क्या हुआ, तो ये यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। अब क्या है भाई, ये आपने यहाँ पर फिर से छोड़ दिया तो फिर छोटा वो क्या है, 2-methyl और propene हो गया, तो 2-methyl propene, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, एल्कीन हो गया। तो आप समझ गए ना कि जब भी आप कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल क्या देने वाला है जी, यहाँ पर एल्कीन देने वाला है। आपने रिएक्शन भी देख लिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप समझ चुके हो कि इसका भी यूज करके हम एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मीन्स एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉपर के साथ रिएक्शन करा के। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल क्या दे रहा है, एल्डिहाइड, 2 डिग्री क्या दे रहा है, कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल क्या दे रहा है, यहाँ पर एल्कीन। तो प्रोडक्ट अलग अलग हैं, इसलिए हम एल्कोहल को फिर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस मेथड से भी। चलो भाई, नेक्स्ट आ गया फ्रॉम एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो आपने क्लास 11th में इसे पढ़ रखा है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जब भी आपको दिखे तो आपको बड़ा सिंपल सा पढ़ना होता है, कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना है। देखो ये एल्कीन है और इस एल्कीन में आपको रिएक्शन कराना है और दो तरीके से रिएक्शन कराना होता है, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, बहुत टेंशन लेना ही नहीं है।
दो तरीके से आपको कराना है। नेम क्या है जी? ओजोनोलिसिस। तो आप कराओगे ओजोनोलिसिस, लेकिन यहाँ नाम थोड़ा बदल रहे हैं। एक नाम है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और जो दूसरा नेम है हमारे पास उसका नेम हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये आपके पास दो अलग अलग रिएक्शन आएंगे इसी ओजोनोलिसिस में। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में आप पहचानोगे कैसे? आपको रिएक्शन के पहले स्टेप पे तो ओजोन ही लिखा होगा, लेकिन जब ऑक्सीडेटिव होगा तो यहां वाटर के साथ भाई लिखा होगा एसिडिक मीडियम, मतलब ये लिखा होगा H2O/H+, या ये लिखा हो सकता है यहां पर H3O+। जब रिडक्टिव होगा तो यहां तो पहले स्टेप में ओजोन ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंड स्टेप है यहां पर जब वाटर लेंगे तो इसके साथ यहां जिंक मेटल लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? जिंक मेटल लिखा हो सकता है। तो ये जब आप देखोगे तो पहचान लोगे कि ये कैसी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। कैसी हो जाएगी? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगी। यहां ओजोन के साथ कभी कभी CCl4 भी लिया होता है मीडियम, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या होगा, आपको रिडक्टिव वाला फाइनल यहां से पहचानना है। ठीक है, अब देखो जरा, जब भी आपको मिले तो आप क्या करना, इस बॉन्ड को ऐसे बीच से ब्रेक कर देना। देखो ये कोई ऐसा मतलब बस ट्रिक है, ऐसे ऐसे आप ब्रेक कर दो। और ओजोनोलिसिस में आप यहां एक इधर देना और एक इधर देना। चलो खैर, इससे पहले पहले इसका एक इंटरमीडिएट आपको और बता देते हैं। पहले इसमें इंटरमीडिएट पढ़ लो। तो जैसे ही आप ओजोन जोड़ने जा रहे हो तो तीन यहां पर ऑक्सीजन आप जोड़ोगे। जैसे ही आपको तीन ऑक्सीजन जोड़ना है, फिर से हम वही बता रहे हैं कि इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो। जब आप ब्रेक करोगे तो ये जो कार्बन जैसी लगी थी वैसी लगी रहने दो, बिल्कुल आप उसे टच ही मत करो। ये लो, ये कार्बन जैसी है वैसी ही हमने लगा दी, बस हमने इनके बीच का बॉन्ड जी गायब कर दिया। आपने ऑक्सीजन कितना लिया है? 3 ऑक्सीजन। तो आप क्या करो, एक ऑक्सीजन यहां लगाओ, एक ऑक्सीजन यहां लगाओ और एक ऑक्सीजन ये बीच में ऐसे कार्बन से लगाओ। अब यहां पर ये दोनों ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दो, क्या बन गया? कुछ रिंग टाइप का बन गया। ये जो रिंग बन गया, क्या ये रिंग होमोसाइक्लिक है क्या? ना ना, ये रिंग कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रिंग बनी हुई है इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। जब होमोसाइक्लिक बोलते हैं तो रिंग में सभी मेंबर एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, सभी एटम एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। यहां तो एक ऑक्सीजन है और फिर कार्बन लगा है, तो ये टोटल रिंग में कितने मेंबर हैं ये भी आप बताओ। 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर ये जो रिंग है जी, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ओजोनाइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड स्ट्रक्चर। तो ये इसका इंटरमीडिएट स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट है, यहाँ से फिर फर्दर रिएक्शन होती है। लेकिन आपको ये सब प्रोडक्ट वहाँ जब बनाना होता है कन्वर्जन में तो इतना टाइम नहीं लगाना होता है, ये सब नहीं बनाना है, वहाँ सीधे आप बनाओ आंसर। तो अब आ गया ओजोनाइड स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखिए, ये है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जी। आपने क्या पढ़ा है? अगर ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन लिंक हो तो हम उसे बोलते हैं कि वो ईथर है। इसका मतलब इस वाले में आपको ईथर लिंकेज देखने को मिल रहा है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हो तो आप एक और लिंकेज का नाम जानते हैं, और उस लिंकेज का नाम क्या है? पर ऑक्साइड लिंकेज। इसका मतलब इस वाले रिंग में ईथर लिंकेज भी है और पर ऑक्साइड लिंकेज भी है। क्लियर हो गया ना? तो ये हो गया ओजोनाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब भी प्रोडक्ट बनना होता है तो यहीं से ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, यहीं से फर्दर आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये दोनों हमारे पास लिखा है, अब हम इधर से आगे हटा रहे हैं इसको और दूसरी बात इसी पे करते हैं। ठीक है, आप ओजोनाइट के बारे में पूरी बात सीख गए बच्चों, बहुत टैलेंटेड हैं आप, सारी बातें एक ही बार में समझ रहे हैं। तो अब अगर यहाँ हम प्रोडक्ट की बात करें, और प्रोडक्ट में जैसे ही हम बात करेंगे, और हमने पहले ही स्टेप में ये लिया ओजोन और फिर हमने यहाँ लिख दिया H2O और इधर हमने लिख दिया H+, मतलब कौन सा स्टेप हो गया भाई? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस।
जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करें, हमने कहा एक ऑक्सीजन इधर दो, एक ऑक्सीजन इधर दो, और यहां पर आप जैसे ही ये ऑक्सीजन दोगे तो हम तो फिर कह रहे हैं कि अब ये ऑक्सीजन जब यहां आया तो ये क्या बना, एक तरीके से देखो ये है CO और ये वैलेंसी इसकी फ्री। यहां पर भी आपने देखा ये ऑक्सीजन आके लग गया क्योंकि आपने पूरी तरह बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है, वही लगा दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। ये बस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ सीधे लाए और यहां पर रख दिए, दोनों कार्बन को वैसे ही लिख दिया। लेकिन क्या करोगे, देखो जरा, अगर इस जगह दोनों जगह हाइड्रोजन लगा होता सपोज, तो इस वाले कार्बन पे दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाता। अगर इधर R लगा होता और इधर H लगा होता तो एक कार्बन पे यहां हम R लगा देते और यहां H लगा देते, मतलब हमने पहले ही कहा था आप कार्बन की वैलेंसी को अपनी तरफ से कुछ डिस्टर्ब मत करो, बाद में लगा दो। तो ये आपका क्या बना, एक तरीके से ये फार्मूला, अगर यहाँ H लिया है, यहाँ R लिया है और यहाँ H लिया, तो ये अगर आप देखें तो ये बन चुका है HCHO, देखो HCHO, ये क्या है एल्डिहाइड। आपने ओजोनोलिसिस कैसी कराई है, ऑक्सीडेटिव, तो ये एल्डिहाइड फर्दर क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन जब फर्दर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। और ये बात यही नहीं रुकी, इसको अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो ये फर्दर फॉर्मिक एसिड CO2 और वाटर में ब्रेक हो गया। खैर वो तो नेक्स्ट बात हो गई, CO2 और वाटर में ब्रेक होना, लेकिन आपने बेसिकली क्या समझा कि ये जो एल्डिहाइड है ये किसमें चेंज हो गया, फॉर्मिक एसिड में। ऐसे ही जब हमने यहां देखा तो ये एक तरीके से क्या लिखा है, आर सी एच ओ, लो जी लो, ये भी एल्डिहाइड है। जब ये भी एल्डिहाइड है तो फिर से ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव वाली है, इसका मतलब ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे फर्दर ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जब भी ऑक्सीडेटिव होगा तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ऑक्सीडेटिव में प्रोडक्ट आपको दो मिलने के चांस होते हैं, पहले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिल जाए। तो एल्डिहाइड फर्दर किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब इसका जो एंड प्रोडक्ट हुआ वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर वहां पर एल्डिहाइड बना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन कीटोन अगर साथ में बना है तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहां प्रोडक्ट हो सकता है कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, हो सकता है कि कीटोन ही हो सकता है खाली कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सी एल्कीन ली हुई है। अगर रिडक्टिव की बात करें तो रिडक्टिव में जो एल्डिहाइड बना है वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर से वही बात कि प्रोडक्ट कीटोन भी हो सकता है, खाली कीटोन हो सकता है, केवल एल्डिहाइड हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हो सकता है, तो जो बनेगा वो बनाएंगे। खैर ये आपने पूरी बात समझ ली, तो अब हम यहाँ पर ऐसा लिए थे जिसमें दोनों एल्डिहाइड था, अब हम ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें एक कीटोन हो एक एल्डिहाइड हो, तो चलो वो भी करके देखते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया CH3 और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ हमने लिया CH3 और हमने यहाँ लिया H, ये हमारे पास एक एल्कीन है। अब इसमें हमें कराना है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस एक हमने कराया पहले स्टेप में, जैसे यहाँ पर लिखा हमने H2O H+, आप समझ गए सर, बस अब मैं समझ गया कि ये ऑक्सीडेटिव है, और यहाँ जब हमने लिखा ओजोन और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, H2O के साथ जिंक लिख दिया, आपने कहा बस ये क्या है, रिडक्टिव है। तो हमें तो वही काम करना है यहाँ पर, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें पहले बॉन्ड ब्रेक करना है, कर दिया हमने दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन दे दिया। जब ऑक्सीजन दिया तो इधर वाला जो प्रोडक्ट बनाया वो देखिए क्या बना, इधर देखो CH3 CO
देखो देखो, और ये CO जैसे ही आया भाई, इसके बगल क्या लगा दिया तुमने, CH3 बना। इधर आओ, CH3COH मतलब प्रोडक्ट आया CH3COH, ठीक है ना। तो ये क्या है, कीटोन। ये क्या है, एल्डिहाइड। रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, जी रिडक्टिव है। कीटोन का क्या फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता ही नहीं है, क्योंकि ये रिडक्टिव हो रहा है। तो यहां तो ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है, रिडक्टिव है तो ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी है। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट हो गया वो यही हो गया। तो प्रोडक्ट हमारा यहां क्या मिल गया, कीटोन, और प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड। लेकिन जब यहां आते हैं तो वैसे ही लिखेंगे, ब्रेक करने का तरीका वही है, CH3CO CH3। एक ये मिला, दूसरा हमें क्या मिला, CH3COH। ये दो प्रोडक्ट मिले। कीटोन की जब बात करोगे तो क्या कीटोन ऑक्सीडेटिव में आपका ऑक्सीडाइज होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कीटोन एज इट इज बना रहेगा। ये क्या है, एल्डिहाइड। हाँ जी, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है, आपने बता दिया। तो ये हो गया CH3COOH। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिला, एक ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हुआ, ये। तो यहां पर आपको एसिड मिला और कीटोन मिला, यहां आपको क्या मिला, कीटोन मिला और एल्डिहाइड मिला। तो रिडक्टिव में इस तरीके से प्रोडक्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं और ऑक्सीडेटिव से वो डिफर होंगे, ठीक है ना। समझ गए पूरी बात। चलो भाई, तो इस तरीके से आपने ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट बनाना सीख लिया। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस पे आपको हाइड्रेशन करानी है। तो एल्काइंस क्या है, एल्काइंस आप जानते हो, ये एल्काइन ग्रुप है। अगर हमने यहां ले लिया R और यहां हमने ले लिया, चलो H ले लेते हैं, एल्काइन तो है ही, हाइड्रेशन कराना है जी। इसका मतलब आपको क्या जोड़ना है, वाटर। अगर आपको वाटर जोड़ना है, यहां आप ले सकते हैं HG+ और यहां H+ की प्रेजेंस में ये एडिशन कर सकते हैं। जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ना है। जब एक बॉन्ड तोड़ेंगे, आपके पास वाटर के पास क्या होता है, H+ और OH- की बात करते हैं, मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन को दो जहां पर हाइड्रोजन कम हो। तो इसके अकॉर्डिंग भाई निगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये निगेटिव पार्ट यहाँ भेज दो। तो आपका क्या बना, यहाँ RC और ये हो गया OH और यहाँ आ चुका है डबल बॉन्ड। हाँ भाई, ट्रिपल बॉन्ड था ना, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ आ गया OH लग गया उसी जगह, और अब ये क्या हो गया, इस जगह आप क्या देखेंगे, ये हो गया CH2, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। बोलो बोलो, आया ना, यहाँ हो गया CH2, ये हो गया COH। अब आपने बहुत बेसिक क्लास में क्या पढ़ा, क्लास 11th में GOC आपने पढ़ी, और GOC में आपने क्या सीखा था, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में आपने बड़ा फेमस पढ़ा था, और वहां क्या था, एक था कीटो इनॉल। कह रहे हैं ये क्या लग रहा है, कीटो इनॉल। देखो यहां लिखा है कीटो, कीटो का मतलब भाई कीटोन ग्रुप हो, और इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो। डबल बॉन्ड की वजह से इन और OH की वजह से भाई ऑल, है ना। यहां आप क्या ऐसा देख पा रहे हो, OH भी है और डबल बॉन्ड भी है, इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में कुछ होगा। और ये जो टाटोमेरिज्म आप देखते हो, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में इंटर कन्वर्ट होता रहता है। जब इंटर कन्वर्जन होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, करना क्या है, आप ये जो बॉन्ड है इसको यहां भेज दो पाई बॉन्ड को, और इसका जो H है वो इस कार्बन को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब आपका क्या बना, R। अब यहां जब ये H चला गया और ये बॉन्ड यहां आया, तो ये जुड़ गया डबल बॉन्ड के साथ, ये जुड़ गया ऑक्सीजन, कैसे भाई, डबल बॉन्ड के साथ,
ठीक है, और ये यहाँ पर H आया, तो अब ये बॉन्ड जो पाई वाला था वो चला गया, ये आ गया यहाँ CH3, बोलो बोलो, तो ये क्या बन गया, कीटोन। क्या बना, कीटोन। इसका मतलब हम तो समझ गए कि एल्काइन पर हाइड्रेशन कराओगे तो एल्काइन पे हाइड्रेशन कराने से कंपाउंड क्या मिल गया, यहाँ पर आपको कीटोन मिल गया। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर आपको इनॉल फॉर्म बीच में मिलता है, ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, क्या कराया आपने बीच में, टाटोमेराइज करा दिया, यहाँ पर टाटोमेरिज्म देखने को मिला। तो यहाँ से ये जो फॉर्म बना, ये कौन सा फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, इसलिए कीटो फॉर्म में जल्दी ये स्ट्रक्चर अपने आप एग्जिस्ट करने लगता है, वैसे तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से देख लिया कि हम यहाँ से बना रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से। रोजेनमुंड रिडक्शन देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या करते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन में, यहां हम लेते हैं एल्किल क्लोराइड, सॉरी एसिड क्लोराइड, ठीक है, क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ठीक है, ये क्या है, एसिड हैलाइड में ये एसिड क्लोराइड है, ये है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका कंपाउंड है। यहां क्या करोगे, यहां पर आपको कराना होता है रिडक्शन, ये लो लिखा हुआ है नाम में रोजेनमुंड रिडक्शन, ये तो बता दिया रिडक्शन, तो काम तो हल्का कर ही दिया कि रिडक्शन कराना है। अब रिडक्शन की बात आती है, यहां हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की, या हाइड्रोजन जब एडिशन करते हैं तो ये लेते हैं पैलेडियम, तो पैलेडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन लेते हैं। अब क्या होता है इस केस में, हमें तो चाहिए रोजेनमुंड रिडक्शन से बनता है ना एल्डिहाइड बनता है, करे सर बता दिया पहले भाई, समझो ये एल्डिहाइड बनता है और ये है यहां पर रिडक्शन। जब ये एल्डिहाइड बनेगा तो ये एल्डिहाइड हो सकता है कि एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। हाँ क्यों, क्योंकि आप क्या करा रहे हो, रिडक्शन, और आपने सीखा है एल्डिहाइड से हम रिडक्शन कराएं तो एल्कोहल बन सकता है, कहां, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में। तो ये हमें चाहिए प्रोडक्ट यहां पर रोजेनमुंड का एल्डिहाइड, वो एल्कोहल ना बने। तो इस वाले स्टेप को हमें क्या करना होगा, रोकना होगा, मतलब ये भाई प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन फर्दर ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिएक्शन में जो रिडक्शन हो रही है इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर दो, आप रिएक्शन को धीरे कर दो। ये रिएक्शन कैसे स्लो करा सकते हो, तो यहां रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट सुने होंगे, कैटलिस्ट दो तरीके से होते हैं, एक कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक कैटलिस्ट होते हैं जो रेट रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, और उन्हें हम बोल सकते हैं कैटलिटिक पॉइजन। तो यहां हमें मिला देना है कैटलिटिक पॉइजन, और ये कैटलिटिक पॉइजन यहां काम करेगा जी बेरियम सल्फेट, हो सकता है सल्फर हो, वो भी ना हो तो आप क्विनोलिन ले सकते हो। जब ये आप मिला देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, वो फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस नहीं होगा, मतलब ये कैटलिटिक पॉइजन यहां हमारे रिएक्शन के लिए बेनिफिशियल है, वो फर्दर एल्डिहाइड को प्रिवेंट करते हैं किसमें, एल्कोहल जाने से। तो यहां भाई क्या करोगे, अब RCOCl से आप तुरंत एल्डिहाइड बना दो, ये लो, तो एसिड क्लोराइड से क्या बन गया, एल्डिहाइड। रिएक्शन नाम क्या हो गया, रोजेनमुंड रिडक्शन। ऐसे एग्जाम्पल ले लिया आप, कोई भी एग्जाम्पल हो के ना, आप क्या यार अब तो कोई भी एग्जाम्पल कर लेंगे, अब तो सीख गए। तो ये देखो हमने ले लिया COCl, बोले कुछ नहीं लिख दो, बताना ही है H2PD, क्या लोगे भाई, बेरियम सल्फेट ले लो, या ले लो सल्फर, या ले लो क्विनोलिन, समझ गए ना। क्या करोगे भाई, COCl ग्रुप को किस में चेंज कर दोगे, COH में, ठीक है ना, तो ये CHO ग्रुप में चेंज हो। तो आपने क्या कराया, इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन है, आप सिंपली वहां पर बस उसके
जैसे मैथ में आप फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूले से सीधे रिएक्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक में आपको उस रिएक्शन के नेचर को समझ लेना है और फिर रिएक्शन अपने आप होने लग जाती हैं। तो ये COCl से आपने क्या बना दिया भाई, CHO बना दिया, मतलब बेंजोइल क्लोराइड से आपने यहाँ बना दिया है बेंजल एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल एल्डिहाइड, ठीक है ना, बन जाएगा। चलो भाई, अब हमारे पास आता है स्टीफेंस रिडक्शन। अब स्टीफेंस रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्टीफेंस रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप यहां समझिएगा, स्टीफेंस रिडक्शन में आपको लेना है एल्किल साइनाइड। क्या लेना है? एल्किल साइनाइड। इस एल्किल साइनाइड में पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, SnCl2 और HCl लेंगे और दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे, मीडियम एसिडिक ही रहेगा। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, SnCl2HCl, वो स्टेप से आपका एल्डिमिन बनेगा, आपको बनाना नहीं। और यहाँ पर सीधे हमने क्या लिया, H2O, मतलब आपने रिडक्शन पर कराना है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये जो CN ग्रुप है वो आपका चेंज हो जाएगा किस में, CHO में। किस में चेंज हो जाएगा? CHO में। अब कहीं पर कुछ भी हो, आपके पास ऐसे लिखा होता और यहाँ पर ये आपका होता क्या, CN, यही CN है। इस CN की बैलेंसी हमने यहाँ फ्री रखी है, वहाँ भी फ्री रखी है। तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही देखोगे SnCl2HCl और दूसरे स्टेप में क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस, है ना। तो अब हाइड्रोलिसिस जैसे कराओगे तो CN किस में चेंज हो जाएगा, बताओ भाई, CHO में। मतलब ये आपका जो साइनोबेंजीन है वो किस में बदल गया, बेंजल एल्डिहाइड में। कह रहे सर क्या यही बदलेगा? नहीं, कोई भी बदल सकता है। आपने ले लिया CH3CH2CN और यहाँ यही रिएक्शन कराई तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CN किस में चेंज करा दूँ, CHO में। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप स्टीफेंस रिडक्शन को समझ गए। स्टीफेंस रिडक्शन से भी हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो आपने बहुत आसानी से समझ लिया। अब अगर हम बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की, इटार्ड रिएक्शन से देखो, यहाँ से भी हम बेंजल एल्डिहाइड बना रहे हैं। क्या होता है इटार्ड रिएक्शन? तो इटार्ड रिएक्शन में आपको लेना है एल्किल बेंजीन, हमने यहाँ सपोज ले लिया क्या, टॉलविन अगर ले लिया, ठीक है। तो टॉलविन से हम लोग क्या करेंगे, टॉलविन की रिएक्शन करा देंगे क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2, फार्मूला ऑफ क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। इसमें भी आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो आप यहां क्या करेंगे, CH3 को किसमें चेंज कर देंगे, CHO में। तो आपने इटार्ड रिएक्शन से क्या बनाना है, बेंजल एल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन किसका भाई, इटार्ड रिएक्शन क्या देगा, प्रोडक्ट बेंजल एल्डिहाइड देगा और यहां पर आपने क्या लिया है, रिजेंट क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड के हेल्प से ये क्या बना देगा, बेंजल एल्डिहाइड। क्लियर है? तो बच्चों ये आपको फटाफट इस तरीके से आपको प्रिपरेशन और ये जितनी भी रिएक्शन है, आप नेम, रिजेंट, सबस्ट्रेट, ये सारी चीजें अगर याद कर लेते हो तो रिएक्शन सब एक जैसी होती हैं। और ये ऐसा चैप्टर है जहां आपको रिएक्शन से बेस्ड आपको अल्कोहल में भी मिलेगा, आगे वाले चैप्टर में जाएंगे वहां भी मिलेगा। तो ये रिजेंट, सबस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आप याद करके रखिए और उसको समझ के चलिए। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे बच्चों, और यहां इसी तरीके से आप बराबर पढ़ते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, सॉल्व पेपर जरूर लगाइए जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्या क्या कैसे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।